नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम बनाने जा रहे हैं टिंडे, भरवा टिंडे। भरवा टिंडे बनाने के लिए ये हमने आधी किलो टिंडे लिए हैं, इनको धो लिया अच्छी तरीके से और धोकर छील लिया है। साफ कर लेंगे पहले और फिर इनको छील लेंगे। छीलने के बाद हम इसमें चार कट लगाएंगे, इस तरह से। पूरा नहीं काटना है, बस आधे टिंडे में चार कट लगाने हैं, जिस तरह से इसमें लगाए हैं। ये मैंने सारे में कट लगा लिए हैं और जो छोटे टिंडे हैं उसमें एक ही कट लगाया है, चार नहीं लगाए हैं। अब एक बाउल में हम सारे मसाले इकट्ठे करेंगे जो हमें इसमें डालने हैं। 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 2 चम्मच सौंफ ली है, 1 चम्मच, और लास्ट में डालेंगे हम आमचूर पाउडर, ये मैंने 1 चम्मच लिया है। अब इन मसालों को हम चम्मच से मिक्स करेंगे, जिससे हमारे जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। जब हम टिंडे में भरें तो कहीं ज़्यादा या कहीं कम नमक ना रहे, ना मिर्च, एक से रहें। अब हम टिंडों में भरेंगे, टिंडों को खोल खोल कर इनमें मसाले भरते जाएंगे। ये सारे मसाले भर लिए हैं हमने टिंडे, देख सकते हैं आप, इस तरह से भरने हैं। ये जो मसाला बचा था वो हम इसी में डाल देंगे, हम इसे हटाएंगे नहीं। इस मसाले को डालने से हमारे टिंडे लसलसे अच्छे बनेंगे, मसाला अच्छे से चढ़ जाएगा। कुकर चढ़ा देंगे। कुकर हम पहले तेज गैस पर रखेंगे, क्योंकि हमारा तेल गर्म करना है हमें, हम जो इसमें हम डालेंगे। तेज कर दी है, अब हम इसमें तेल डालेंगे। यहाँ पर मैंने तेल 3 बड़े चम्मच लिया है। तेल अच्छा पड़ेगा, क्योंकि हम जो सूखे मसाले डालते हैं तेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो, इसलिए हमने तेल अच्छे से लिया है। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें जीरा चटकाएंगे। जीरा जो लिया था वो हम इसमें डाल रहे हैं। इसके बाद हम इसमें टिंडे डाल देंगे, और टिंडे डालने के बाद हम पानी थोड़ा सा डालेंगे। पानी इसलिए डालते हैं कि हमारे जो कुकर है उसमें तली में टिंडे ना चिपके। और 3 सीटी लेंगे। गैस हम मीडियम ही रखेंगे, ना ज़्यादा हाई रखेंगे ना लो रखेंगे। ये हमारे टिंडे बनकर तैयार हो गए हैं। 3 सीटी ले ली थी हमने इसमें, देख सकते हैं आप, टिंडे हमारे नरम बने हैं और कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब बर्तन में निकालेंगे। देख सकते हैं टिंडे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, और ज़्यादा समय भी नहीं लगा। हमारे ये टिंडे मुश्किल से 20 मिनट में बनकर तैयार हो गए, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं, क्योंकि ये स्पाइसी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं। अमूमन जो हम कढ़ाई में बनाते हैं टिंडे, वो हमारे टिंडे हार्ड हो जाते हैं, टाइट ही रहते हैं, उनमें इतना टेस्ट नहीं आता। लेकिन इन टिंडों में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि ये नरम बने होते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे टिंडे बहुत ही लसलसे बने हैं और बहुत टेस्टी भी हैं। इस तरह से आप भी बनाना, इनको बनाकर देखना, बहुत अच्छे बनेंगे आपके। थैंक यू।